आपका स्वागत है नॉक आउट इंडिया के खास मुलाकात एपिसोड नंबर 1 में। जी, पहला एपिसोड है और हम लोग खास मुलाकात शुरू कर रहे हैं, तो आपसे शुरू कर रहे हैं क्योंकि हर सप्ताह एक नया एपिसोड इसमें आएगा खास मुलाकात में। सेलिब्रिटी लोग और जो भी जितना बन पाएगा हम लोग करेंगे इसमें, अच्छा अच्छा दर्शकों को दिखाएंगे। तो इस खास मुलाकात में आप क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों दर्शकों के लिए, क्योंकि उनसे भी एक खास मुलाकात आपसे हो रही है। जी, सबसे पहले ये नॉक आउट इंडिया जो चैनल है, जो एक ये नया एपिसोड चला रही है खास मुलाकात, मैं सबसे पहले तो आप इस चैनल को मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये शुरुआत संयोग से हमसे ही हो रहा है। ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि शुरुआत हमसे हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो आज शुरुआत हो रहा है ये एकदम कड़ी बाई कड़ी जुड़ते जाए और एक दिन भोजपुरी के साथ बॉलीवुड के सभी कलाकारों को आप इंटरव्यू उनका करें एक खास मुलाकात के नाम से। तो मैं सबसे पहले सारे ऑडियंस को, सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज हमसे शुरुआत हुई। लेकिन आज सबसे अच्छी बात है कि आज हम लोग आज जो नवरात्रि का जो दिन है, आज के दिन शुरुआत हुआ, आज सोमवार दिन है। सबसे पहले आप सभी मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी आप सभी पे कृपा बनाए रखें, उनका आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। आज बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छी बात है कि आज शुरुआत हुई, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा, पहला सवाल है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर आप एक अलग दुनिया में जा रहे हैं हिंदी में, क्यों भोजपुरी क्यों छोड़ रहे हैं आप? देखिए, भोजपुरी तो हमारी एक तरह से मातृभाषा है, छोड़ने की बात नहीं है। भोजपुरी की हमने सेवा किया, भोजपुरिया होने के नाते हमने 25 साल इस भोजपुरी को दिया। 1992 से हम इस लाइन में एंट्री किए, शुरुआत किए ऑर्केस्ट्रा से, शास्त्रीय संगीत से, तो छोड़ने वाली बात नहीं है। भोजपुरी हम छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि हम भोजपुरिया तो है ही, बिहारी हैं ही, लेकिन इसके साथ हम एक हिंदुस्तानी भी हैं। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, भोजपुरी तो हमारी बोली है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि भोजपुरी की सेवा हमने 25 साल किया, अब हिंदी में थोड़ा सा स्ट्रगल हो, ताकि हिंदी पूरे हिंदुस्तान का है, हिंदी पूरे देश में, पूरी दुनिया में जानी जाती है, बोली जाती है। वैसे भोजपुरी का भी काफ़ी विस्तार हो चुका है, भोजपुरी में बड़े बड़े स्टार और बहुत सारे देशों में भोजपुरी बोली जा रही है, समझी जा रही है, और यहाँ के निवासी, यूपी बिहार के निवासी भी उस देशों में रह रहे हैं, मॉरिशस में है, सिंगापुर में है, तो भोजपुरी वहाँ भी बोली जा रही है, छोड़ने वाली बात नहीं है। हाँ, उस टाइप का अगर प्रोजेक्ट आज भी आएगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा और यथाशक्ति यथा हिसाब से मैं उसमें उसका म्यूजिक बनाऊँगा। कितना स्ट्रगल रहा यहाँ तक पहुँचने में? स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा रहा, स्ट्रगल बड़ा सैकड़ों स्ट्रगल है इसमें, सैकड़ों डिजाइन है, सैकड़ों कहानियाँ हैं। सबसे पहले तो संगीत जो है हमारे घर से शुरुआत हुई, हमारे पिताजी रामधनी राव जी, पिताजी हमारे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे हर पल मेरे साथ रहता है, उनका हाथ मेरे सर पे, ऐसा मैं फील करता हूँ। 1987 में वो हम सभी को छोड़ के चले गए, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में अपने जिला पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज, जो हमारा गांव जो है लक्ष्मीपुर मलदी, उस क्षेत्रीय इलाके में वो बहुत बड़े गायक थे, लोक गायक, क्षेत्रीय गायक, कीर्तन भजन में उनका मन लगा रहता था हमेशा, नाम ही रामधनी राव था। वैसे भी हमारे घर में सभी लोगों का नाम आध्यात्मिक की दृष्टि से रखा गया है, क्योंकि हमारे घर राम जानकी है। मतलब उस कैसे चाह हुई कि आप भी सिंगर बने या फिर म्यूजिक डायरेक्टर बने, किस तरह का बदलाव आया? हाँ, ये वही बता रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है भजन भक्ति में थे और अष्टयाम होता था, जिसमें हमको भी कहीं कहीं जाने का मौका मिलता था, और उनके मित्र थे कमल चौधरी, भवानी शंकर सिंह, कपिल राय, बहुत उनके मित्र थे, तो उनके साथ मैं कभी कभी अष्टयाम में, कीर्तन भजन में जाया करता था। धीरे धीरे रुझान बढ़ने लगा और
वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा, रुचि हमारी संगीत में होने लगा। ये चीज़ जो है हमारे पिताजी से ही विरासत में मिली। हमारे दादाजी का नाम जनक राव, मतलब हमारे घर में संगीत का माहौल था, शास्त्रीय संगीत का नहीं था, लेकिन लोक गायकी जो थी सब में, सबके अंदर ये संगीत भरा हुआ था। तो और लोग समाज के आपको सपोर्ट कर रहे थे या नहीं? नहीं, समाज का सपोर्ट इसलिए नहीं मिला कि हमारे जो घर का जो स्थिति, जो लेवल था आगे बढ़ने का, उसमें कोई भी इतना दूर तक नहीं आया था। हमारे पिताजी अपने जिला में काफ़ी नाम था उनका, लेकिन और भी आगे जाते तब तक वो दुनिया छोड़ के चले गए, और उनका आशीर्वाद, उनके विरासत में हमको ये मिला। हमने इसी चीज़ पे माइंड किया कि क्योंकि छोटे लाल मास्टर साहब थे, वो बोलते थे कि किसी भी काम करने के लिए बचपन से ही आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको बनना क्या है। बचपन में जब लक्ष्य निर्धारित होगा तो पूरा जीवन आप मतलब हार्ड स्ट्रगल करके आप वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, सारे सूत्रों को अपना के। अब कितने साल के थे जो पिताजी आपके एक्सपायर कर? हमारी उम्र थी 15 साल 7 महीना। हाँ, और उसी समय हमारी शादी हुई थी, 1/5/87 को हमारी शादी हुई। उस समय हम 15 साल 4/5 महीना के थे, और 3 महीना बाद हमारे शादी के 3 महीना बाद ही पिताजी हमारे हटे कटे, कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन ईश्वर को शायद यही मंजूर था, और अचानक थोड़ी सी 2-3 दिन की बीमारी हुई और निकल गए। उसके बाद कितना मुश्किल हुआ? बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि पिताजी हमारे 2 भाई थे, तो बड़े पिताजी अभी थे, और बड़े पिताजी के साथ हमारे दादाजी भी तभी जिंदा थे। हमारे पिताजी के मरने के बाद हमारे दादाजी 5 साल तक जिए, लेकिन पिता बेटा का दर्द जो है, उस गम में, उस दुख को सह नहीं पाया, और फिर वो भी जल्दी निकल पाए। जबकि ये लोग सब लोग भक्त थे। पिता हमारे दादाजी तो तुलसी कंठी में माला लिए थे, मतलब उसमें होता है कि आप स्त्री का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते हैं, अपने हाथ से ही बनाना है, बाहर ही रहना है, तो ऐसा हमारे दादाजी थे। पिताजी हमारे भक्त थे, और इतने भक्त थे पिताजी कि हमारे पिताजी को भगत जी के नाम से ही जाना जाता था। सभी लोग नाम से कम भगत जी जानते थे। तो आप 15 साल 2 मंथ के थे तो पिताजी एक्सपायर गए हैं। हाँ, इतना कठिन था परिवार को संभालना, मुझे तो फील्ड में आना उस समय पता भी नहीं था कि क्योंकि उस समय के बच्चे गांव में, देहात में शिक्षा भी उतना डेवलप नहीं था। मैं दूर घर से 4-5 किलोमीटर में पढ़ने जाता था, पैदल जाता था, और कभी कभी साइकिल से, पुरानी साइकिल, और निम्न परिवार, एक किसान थे पिताजी हमारे, और वहीं गाना बजाना करते थे, कीर्तन भजन अष्टयाम भक्ति भाव से, श्रद्धा से करते थे। घर का सपोर्ट इसलिए नहीं मिला कि घर वाले तो जानते थे कि ये हो ही नहीं सकता है, या इस चीज़ को नहीं जानते थे कि आदमी यहाँ तक पहुँचेगा। वो कहते थे क्या कर रहा है, पागल लड़का हो गया, क्योंकि सुबह में हम रियाज करते थे, और इतना जुनून था कि हम 2:30 बजे भोर में जग जाते थे, और नहा के 3:30 में फ्रेश होकर हम रियाज करने लगते थे। हारमोनियम गांव का एक पुराना था, संगीत हम अपने गुरुजी से सीखे। उसमें एक हमारे मित्र थे राजा शाह करके, अब उस दुनिया में नहीं है, राजा शाह के माध्यम से हमने इस लाइन में काफ़ी आगे बढ़ा। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। उनके चलते हमारे गुरुजी जो है बेतिया में टिकट मास्टर थे, श्री केशव कुमार मिश्रा, ट्रेन में बात बात के दौरान उनसे मुलाकात हुई, और बातचीत हुई धीरे धीरे धीरे। हमको चाहत थी, हमारी ललक थी, उत्कंठा थी कि एक अच्छे गुरु से संपर्क हो जो हमको सारे गमा पधा निशा का ज्ञान दे, शास्त्रीय संगीत का। और शायद उनके मन में भी ये भावना थी कि कोई अच्छा शिष्य मिले जो इस चीज़ को जाने, क्योंकि उनका घराना है बेतिया घराना कहा जाता था, भानु छापर में रहते थे, और उनके घर तो उनकी माता जी, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके बहन, उनके बेटे सभी संगीत से जुड़े हैं, सभी शास्त्रीय संगीत गाते थे और गाते हैं आज भी। अब धीरे धीरे भोजपुरी में जब गाना शुरू किया तो उस समय आप किसके साथ गाते थे? हाँ, तो वही हम बता ही रहे हैं कि उसके बाद मन तो टूटे हम, क्योंकि घर पे ट्रैक्टर था हमारा, और फिर खेती बाड़ी करना था। ट्रैक्टर साझेदारी में खरीदा गया था हमारे और पिताजी के, बड़े पिताजी के, हमारे बड़े बड़े पिताजी का नाम बिगन राव, हमारे पिताजी का नाम रामधनी राव, तो साझेदारी में खरीदा गया था 84 में ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आने पर घर पे बैलगाड़ी सब हटा दिया गया था। अब पिताजी के मरने के बाद किस्त नहीं दिया जाता था, तो तुरंत ट्रैक्टर बेच दिया गया, और बेचने के बाद फिर हमको 9,500 रुपया मिला उसमें से रिटर्निंग, क्योंकि किस्त पे लिया गया था, लोन पे 87,000 में लिया गया था 84 में। तो फिर हमको बैलगाड़ी सब बनाना पड़ा, फिर खेती बाड़ी करने के लिए सारा चीज़ जुटाना पड़ा, उसमें हम कई साल लग गया।
शादी के बाद 2-4-5 साल हम उलझ गए, समझने में लगे, अपने खेत को भी नहीं पहचानते थे। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि ट्रैक्टर से जाके हम दूसरे का खेत जोत दिए थे, मुझे लगा कि मेरा ही है, क्योंकि उस बात की जानकारी नहीं थी, हम खेती बाड़ी उतना जानते नहीं थे। और बचपन से ही हम उस 13 साल की उम्र से ही हम ट्रैक्टर चलाना सीख गए, क्योंकि 84 में ट्रैक्टर खरीदाया, 12 साल के थे हम उस समय। तो धीरे धीरे हमारे अर्जुन भैया थे जो हम उनके साथ पूरा बहुत जीवन गुजारे, हमारे बड़े पिताजी का बड़ा लड़का जो इस दुनिया में नहीं है, उनके दो बेटे हैं अशोक राव और टुन्ना राव, तो उनके साथ हम कहीं खाना पीना आना जाना बारात में ट्रैक्टर से जाते थे, और हम धीरे धीरे बैठते बैठते बगल में बैठते सीख गए हम। तो 12 साल की उम्र में हमने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया, अपना खेत जोतना या कहीं सामान गिराना। तो धीरे धीरे हम संगीत की तरफ रुझान बढ़ने लगा, तो फिर मन में आया कि फिर संगीत में किया क्या जाए, काफ़ी समय तक फिर कहीं कहीं ऑर्केस्ट्रा में जाना शुरू किए, जाके नरकटियागंज हमारा शहर है रामनगर, वहाँ ऑर्केस्ट्रा में जाते थे और देखते थे, सुनते थे, समझते थे, गीत गाते थे। मुकेश जी का गीत हम एक ड्रामा हुआ था, नाटक किए थे, तो सबसे पहले गाना उसमें हम मुकेश जी का ही एक गाना गाए, तीसरी कसम फिल्म का, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। मुझे बड़ी लगन थी क्योंकि उस गीत में एक सच्चाई थी, आध्यात्मिकता अंदर तो थी ही। मैं एक लाइन उस गाने को गाना चाहूँगा क्योंकि हमारे लाइफ की पहला गाना था वो, सजन रे झूठ मत बोलो, क्योंकि ज़्यादा गाने फिर हाँ जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? ऐसा झूठ बोलते हैं हम कि जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। एक जगह लिखा हुआ है कि झूठ का और सत्य का कोई उचित मापदंड नहीं है, मुंह से निकली हुई हर बात झूठ होती है, और एक ही बात एक किसी के नज़र में झूठ और किसी के नज़र में सत्य होती है, और वैसे भी हर सत्य की बुनियाद झूठ ही होती है, झूठ कुछ भी नहीं है, वो नज़रिया है अलग अलग। झूठ और झूठ बोलना चाहिए लेकिन उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो, भले आपका फ़ायदा हो। मुँह से हर बात निकली हुई झूठ होती है, जैसे कान में कोई बात कोई सच कहा और आपके नज़र में आपने वैसा किया नहीं है तो वो झूठ हो गया। इसलिए झूठ सच कुछ नहीं, आपको जिस चीज़ से फ़ायदा हो खूब झूठ बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो। बस सुना है पटना से हुई, तो पटना के क्या किस्सा है उसमें बताएंगे? उसमें वहीं जब हम शास्त्रीय संगीत सीखने के दौरान ही जो हमारे मित्र राजा शाह थे उनके साथ मैं पटना कई बार जाने लगा। एक बार मुजफ्फरपुर में गया, वहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा का पता करने, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहाँ पे एक राजकुमार ऑर्केस्ट्रा करके कोई था, उस वहाँ बिक्की जी रहते थे, तो बहुत ढूंढ, बिक्की जी के घर भी गए थे हम लोग, लेकिन कोई खास रास्ता नहीं मिला। फिर हम लोग पटना आना जाना शुरू किए, और पटना गए तो पता करते करते गांधी मैदान के पीछे दरियापुर गोला में पीजी सुपर साउंड है, जहाँ पे प्रदीप जी का एक स्टूडियो था पीजी सुपर साउंड, तो वहाँ हम लोग गए। तो एक गाना का एल्बम बन रहा था किसी का, तो हम इच्छा जाहिर किए कि हम इसमें गाना गा सकते हैं क्या, और ये बात है 94 की। तो वो बोले कि ठीक है, इसमें खर्चा उर्चा लग रहा है, ऐसे ऐसे बात है। तो जैसे जैसे बात करके उसमें एक गाना गाने का हमको मौका मिला, लेकिन हमारी तैयारी कम होने के चलते और पटना से घर पे आना जाना दूरी था, उत्सुकता बहुत थी, संजोग से उसमें गाना हम नहीं गा पाए, लेकिन हमारा आना जाना जारी था। उसी दौरान प्रदीप जी बड़े अच्छे इंसान हैं, उनको मैं गुरु मानता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वो फिर मिलवाए हमको हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले श्री विनय बिहारी जी से। वो यूँ ही बोले कि अरे विनय, क्योंकि उनकी दोस्ती थी, वो बोले कि तुम्हारे जिला का कोई आया हुआ है चंपारण का, देखो। तो कहा अच्छा अच्छा कौन है भाई? तो वो आके मिले, अरे कहाँ घर बहु? तो हम कहने पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण में कहाँ?
अच्छा हम कहेंगे नरकटियागंज का, तो नरकटियागंज खास क्योंकि नरकटियागंज में मलदा मदली लक्ष्मीपुर गाँव। अच्छा अच्छा क्योंकि उधर ही उनके मामा का घर था शिकारपुर सिकटा में, उनका ममहर था। तो बोले अच्छा अच्छा गाना गाया वाला हम, हाँ। तो उनसे बात हुई तो वो हमको तुरंत गाना गवाए और दो गाना गाने का मौका दिए, मतलब लिस्ट कर दिया, कहे कि फलाना दिन हमारा रिकॉर्डिंग है, दो गाना आगे गा देना। तो हम कहे ठीक है, लेकिन पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, मैं वो दोनों गाना भी नहीं गा पाया। मैं आया तब तक गाना वो कैंसिल हो गया, ऐसे हुआ। लेकिन जो प्रदीप जी से बात हुई थी उसके एवज में विनय भैया ने, हम उनको भैया कहने लगे क्योंकि हमसे वो 3 साल बड़े थे, तो वो 7 गाना माता जी का, देखिए संजोग से माता जी का अभी दिन चल रहा है, आज नवरात्रि है, इस माता जी के लिए 7 गाना हमारे लिए एक गाना के एवज में गवाए वहाँ पर। उस समय कंप्यूटर नहीं आया था, उस समय 2 ट्रैक पर एक बार में स्पूल पर रिकॉर्डिंग होता था, एक बार में म्यूजिक बन गया है, दूसरी बार में रिकॉर्ड, एक बार में गाना पूरा गा ही देना है। आज तो दौर हो गया कि एक एक शब्द एक एक लाइन गाया जाता है, एक बार में टोटल गाना गा दीजिए, अगर कहीं भी गड़बड़ी हुआ लास्ट में भी तो आपको फिर शुरू से टोटल गाना गाना पड़ता था। वो दौर ईश्वर की कृपा से हमने देखा, 7 गाना गाए लेकिन उसमें हम 6 ही गा पाए। एक गाना अमित रंजन करके सिंगर थे उनसे गवाया गया और वो गाना एल्बम टी सीरीज में विनय भैया ने दे दिया रिलीज करने के लिए, लेकिन समय देरी हो चुकी थी, नवरात्रा तुरंत आ गया था, वो एल्बम रिलीज नहीं हो पाया टी सीरीज में। टी सीरीज वाले बोले कि अगले साल होगा, लेकिन फिर नहीं हो पाया, रह गया। वो गाना हमारे पास था, मुकेश के गानों पे हमने गाया था क्योंकि मुकेश के गाना हम गाते थे उस समय, हम कुमार सानवी गाना बहुत ज़्यादा गाते थे। तो पटना के बाद क्या किस तरह का रुझान था? हाँ वही पटना में जब हम लोग का ये एल्बम निकलने लगा और वहाँ पे हम लोग एक एल्बम का, हमको एक गाने का 200 रुपया मिलता था, एक गाने का 100 रुपया और कोरस करते थे तो एक एल्बम का 200 रुपया उस कंपनी से मिलता था। रोज ही काम होता था, रोज कोरस करते थे, गाना गाते थे सब लोग मिलके पीजी सुपर साउंड में और लगातार गाते गाते समय बीतने लगा। लेकिन उसी दौरान 96 में ही एक घटना घटी, हमारा प्रोग्राम था सुगौली रक्सौल में बिजली रानी के साथ, तो हम पटना आए थे, घर से फोन आया, टेलीफोन हमारे बगल वाले किसी के रूम में कि आपके घर पे आपके पत्नी का तबीयत ख़राब है। तो मुझे लगा कि पत्नी का नहीं होगा, माँ का ख़राब होगा, लेकिन ये क्लियर कैसे किया जाए। फिर दूसरे दिन आया फ़ोन कि माँ का, आपकी पत्नी का तबीयत सीरियस ख़राब है, इतना ही वो आदमी केवल कह देता था। तो बड़ा हम चिंतित हुए, लेकिन पूछ कैसे पाते, बड़े चिंतित होते, जैसे तैसे विनय भैया से बोला कि भैया हम घर जाएंगे, बड़ा ऐसे ऐसे बात है। तो कहे कि कल प्रोग्राम है ही, सुगौली चलना है, वहाँ से चल जाना, प्रोग्राम में हम नाम डलवा दिए हैं, बिजली रानी के साथ प्रोग्राम है। तो जैसे तैसे चिंता बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा चिंता थी। वहाँ से हम लोग रक्सौल प्रोग्राम करने आए, रात में प्रोग्राम हुआ, अच्छा प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम में भी हमको 300 रुपया मिला और ये 96 में 300 रुपया ज़्यादा अहमियत है। इसके बाद हम जैसे तैसे प्रोग्राम सुबह में समाप्त हुई, वहाँ से हम ट्रेन पकड़े और नरकटियागंज आए। नरकटियागंज आते ही भवानी काका जो हमारे पिताजी के दोस्त हैं खोड़ी में, तुरंत मिले, खोरे अरे बाबू क्या हाल चाल है, तेज़ी में जा रहे थे, डर था कि कहीं कोई घटना ना घट गया हो। तो बोले हम तो फिर और भी शक हमारा बढ़ गया, हम कहें कि क्या बात है, तो ऐसे ऐसे आपकी पत्नी का तबीयत ख़राब है बहुत से गया। हम कहे अच्छा तो कहाँ आया, तो वो नरकटियागंज कल थे आज बिटिया चले गए हैं। फिर मैं रास्ते से ही लौट गया, मैं खोड़ी से ही घर पे नहीं गया, मैं वापस बिटिया गया और बिटिया गया तो वाकई पत्नी हमारी सोई थी और वहाँ पे हमारे सास ससुर, हमारी माँ भाई बहन सब लोग थे और सब लोग रो रहे थे और ये अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, मृत शरीर इनका जैसा पड़ा हुआ था, लगे कि सांस नहीं है। जाके ध्यान से देखा गया सांसें चल रही थी और हमारे जाने पर इनको ये लोग जगाए और आंखें खोली और ये बोले कि सब लोग बोला कि अब पहचान रही हो, मैं पहुंचा था तुरंत, तो सर हिलाई और फिर बेहोशी जैसा हालत में हो गई। तो ये थोड़ा सा जीवन को झकझोर दिया, तोड़ दिया हमको, 96 घटना है क्योंकि जैसे तैसे इलाज हुआ, फिर बेतिया से हम लोग फिर पटना गए, पटना में 1 महीना इलाज हुआ, काफ़ी पैसा भी लगा, बहुत अच्छे डॉक्टर एक मिल गए जिन्होंने 1 महीना इलाज करने के बाद, क्योंकि इनको पैरालिसिस मार दिया था दाहिने साइड में एकदम, मतलब कि ये दोनों पैर में मार दिया था लेकिन राइट साइड में ज़्यादा था। 1 महीना इलाज हुआ, इलाज के दौरान धीरे धीरे ये ठीक हुई और उसके बाद फिर हम लोग घर आए, पटना से रूम खाली कर दिया गया
और फिर हम घर रहने लगे, क्योंकि डॉक्टर बोला कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, ये टेंशन और वीकनेस। एक टाइम ऐसा रहा कि दिल्ली में भी आपने काफी स्ट्रगल किया है। इसके बाद तुरंत ऐसा हुआ, वो बॉम्बे में हम लोग आए, एक महीना रहे, लेकिन एक महीने में हमने देखा कि वो गाना तो रिलीज हो गया, बड़ा अच्छा गाना, डुएट गाना था, सभी लोगों ने पसंद किया निखिल विनय के संगीत में। लेकिन बॉम्बे में हम देखे कि यहाँ विनय भैया के माध्यम से गाना मिला हम लोगों, ऐसे कोई सूत्र नहीं दिखता था। वहाँ से हम लोग महाडा आते थे, चार बंगला अंधेरी आते थे, कोई सुराग नहीं दिखता था, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बहुत बड़ा ग्राफ था। फिर हमने प्लान किया और विनय भैया भी बोले कि तुम लोग कहाँ कहाँ मेरे साथ रहोगे, अपना कहीं एक जगह स्थिर रहो, या तो पटना रहो, या तो बॉम्बे रहो, या दिल्ली रहो। अब मेरा काम तो कभी पटना है, कभी दिल्ली है, कभी बॉम्बे है, अब मेरे साथ कहाँ कहाँ जाते रहोगे। मुझे हर्ट हुआ इस बात का और मैं माइंड किया, हम कहें कि एक पथ प्रदर्शक जैसा विनय भैया ने ये बात कहा, उन्होंने अच्छा लगा मुझे। तो फिर हम, हमारे गांव के कुछ लोग दिल्ली पढ़ते थे, फिर 2000 में, क्योंकि 2000 में यहाँ आया था, एक साल मैं गांव जाकर रह गया। फिर 2000 में हमने दिल्ली का रुख किया उन लोगों के साथ में, उसमें मनोज जी हैं, मनोज गुप्ता जी, उनके साथ उनका भाई सुनील, हमारा एक भतीजा मंतोष और उनके एक भाई थे अर्जुन, वो लोग पढ़ते थे JNU में, पढ़ते थे वहाँ पे। तो वो उनके साथ हम दिल्ली आए और दिल्ली में हम रहने लगे, और दिल्ली में यहाँ सिस्टम अलग था। फिर वहाँ पे हम ऑर्केस्ट्रा जाके मिले सूरज जी से, जिनका सुर संगम ऑर्केस्ट्रा चलता था, उसमें सोम जी एक बहुत अच्छे गायक थे, मेन गायक। तो उसमें जाके संपर्क किया, हम कहें कि हम ऑर्केस्ट्रा में रह सकते हैं क्या, वो बोले कि ठीक है रहिए। जागरण होने लगा, जागरण में मैं जाने लगा, और जागरण में पहले हम लोग कोरस गाते थे और लास्ट में एक दो गाना भी गाते। उसमें हमको मिलने लगा 100 रुपया, 100 रुपया मिलता था घर से डायरेक्शन में आने के। हाँ, तो मैं तुरंत दिल्ली गया और दिल्ली से पूरे परिवार के साथ टिकट बनवाया, और 2008 में अप्रैल में हम लोग बम्बई शिफ्ट हो गए, बैग एंड बैगेज पूरे सामान के साथ हम बम्बे आ गए, पूरा परिवार के साथ, क्योंकि रूम तो पहले से था ही, लिया गया था, उसमें रहने लगे। और धीरे धीरे फिर यहाँ का स्ट्रगल शुरू हुआ, प्रोग्राम हमारा सब छूट गया, क्योंकि यहाँ सब नए थे, यहाँ वहीं अब कैसेट की दुनिया में आने लगे, धीरे धीरे फिल्में हम करने लगे, भोजपुरी फिल्म हमको मिलना शुरू हुआ, भोजपुरी फिल्म छोटा छोटा एल्बम कम पैसा में करने लगे, और धीरे धीरे भोजपुरी फिल्म में सबसे पहली फिल्म हमारी यहाँ पे मिली, एक हमारे मित्र थे संतोष जी, संतोष सरनेम क्या था ध्यान नहीं है, उनकी फिल्म थी हमरी कोख। मात्र हमने 17,500 में जो हमरी कोख फिल्म का म्यूजिक, सिंगर, गीत तो खैर उन्होंने का लिखा हुआ था, टोटल करके देना था 8 गाना 17,500 में, और हमने करके दिया। धीरे धीरे बस वो फिल्म एंगल, फिल्म एंगल कंपनी से रिलीज भी हुई, सारे गाने अच्छे थे उसमें, लगभग हम सारे गाने उसमें मेल हम ही गाए थे, लगभग एक दो लाइन में गंगेश जी से गवाया था और सुमित बाबा से, फीमेल सब अलग अलग गाए थे, लेकिन मेल सारा गीत हम ही गाए थे। एक और चीज़ है कि जो नया सिंगर आपके पास काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक जगह आपने बनाया, उसके बाद नए नए सिंगर आपके पास आते थे, आपने मौका देते थे, आपने मौका दिया उन लोगों को, तो कैसा मतलब उनको मौका देकर कैसा लगता था, क्यों मौका देते थे आप उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मौका नहीं देते हैं किसी को, नए सिंगर को रिस्क ज़्यादा रहता है। देखिए ये अलग बात है, हम पहले तो सिंगर ही थे, इसलिए सिंगर का दर्द हम समझते थे, क्योंकि सिंगर को यहाँ वाकई मौका नहीं मिलता है, यहाँ चीट किया जाता है, पैसा लिया जाता है, ठगा जाता है और काम भी नहीं दिया जाता है। और मौका देना बड़ी बात नहीं है, उनसे हमको भी प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट मतलब कि अगर मौका हम दे रहे हैं, उनको गवा रहे हैं, तो उनका उनकी दुआ मिलती थी, उनका आशीर्वाद मिलता था, उनकी ब्लेसिंग मिलता था हमको। वो 10 जगह जाके कहते थे, अगर फेसबुक पे 2 फोटो खिंचाया तो वो अपने फेसबुक पे डालेंगे, उनके सर्कल को लोग जानता था। तो मैं उनको मौका दे के बहुत बड़ा एहसान नहीं करता था, शायद इसमें मेरा भी थोड़ा स्वार्थ छुपा रहता था, जिससे एक चीज़ कहा जाता है कि भोजपुरी में जिस हमने बहुत मौका दिया, बहुत सारे आप लोग बोलते हैं कि बहुत साफ दिल के, लेकिन कहीं कहीं सुनने में कहता है कि आपको लोग यूज बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, देखिए साफ दिल होना ये तो हमारा नेचर है, ये हमारा संस्कार है, शिष्टाचार है,
जो हमारे हमारे घर में कभी केस मुकदमा मार पीट पुलिस कभी ऐसा नौबत हमारे घर में पिताजी कैसा कभी हुआ नहीं, तो वो रग रग में वहीं बसा है। किसी बात को बर्दाश्त कर लेना और सादगी ईमानदारी रखना, क्योंकि झूठ चलता नहीं है, झूठ टिकाऊ नहीं होता है। बॉम्बे में वैसे भी झूठ नहीं चलता है, तो आपको ज़्यादा लोग और झूठ में वो मैं पहले भी बताया कि झूठ आप खूब बोलिए, दिन भर बोलिए, लेकिन उस झूठ से किसी का नुकसान ना हो और आपकी झूठ पकड़ी ना जाए। भोजपुरी मैं वही कह रहा हूँ कि भोजपुरी छोड़ने वाली बात नहीं है, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, भोजपुरी को साथ में रखा हूँ। अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा तो अभी मैं करूँगा, लेकिन ज़्यादा गाना कर रहे हुए भोजपुरी में क्या है कि फ्यूचर एक संगीतकार का थोड़ा सा कम है। भोजपुरी में केवल और केवल अभिनेता जो है वो उसको हर तरह से फ़ायदा होता है, स्टारडम भी मिलता है, अहमियत भी है, पैसा भी मिलता है, और खासकर गीत संगीतकार का जो है ना अहमियत कम होता है, क्योंकि ये लोग पर्दे के पीछे रहने वाले हैं। डायरेक्टर जो है जो निर्देशक है फिर भी उनका नाम हो जाता है, उनका नाम पोस्टर पर बैनर पर आता है, लेकिन संगीतकार का जो अहमियत कम पड़ जाता है। कई कंपनियां हैं जो कई कभी नाम छूट गया, मिस्टेक हो गया, तो उस स्थिति में जानबूझ के हम छोड़ नहीं रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, क्योंकि हम बताया कि हम बिहारी बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमको हिंदी फिल्मों में भी इंट्री करना ज़रूरी है। तो जब तक किसी को कम नहीं करेंगे हम हिंदी में इंट्री नहीं कर सकते हैं। हम जानबूझ के कम किए भोजपुरी ताकि हिंदी पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। भोजपुरी में सबसे अच्छा है सिंगर आप किसको मानते हैं? क्योंकि आप भोजपुरी में सिंगर अच्छा की जहाँ तक बात है तो पॉपुलरिटी तो सबसे ज़्यादा पवन सिंह जो सुपरस्टार हैं, सबसे सुरीले व्यक्ति हैं, लेकिन गायकी की फिर बात आती है तो गायकी में आलोक कुमार जिन्होंने बखूबी संगीत को सीखा है, उनके गले में प्ले बैकिंग वॉयस है, पवन सिंह की आवाज़ जो है। एक्टिंग में किसकी एक्टिंग किसकी अच्छी है, हीरो कौन अच्छा है? हीरो तो कौन है, खेसारी है, नहीं तो देखिए किसी का एक का नाम लेना अच्छा नहीं होगा। अपने स्तर में सभी देखिए, सबसे पहले अपने भोजपुरी के सबसे पहले के हीरो जैसे सुजीत कुमार जी थे, उसके बाद कुणाल सिंह आए, उसके बाद मनोज वर्मा जी, लेकिन बाद में रवि किशन भी आए भोजपुरी में, उधर हिंदी भी है, हिंदी तेलुगू मराठी सब करते हैं। दिनेश लाल जी और मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी एल्बम के बाद गाना गाने के बाद बहुत सारा उनका ससुरा बड़ा पैसा वाला जो भोजपुरी का दौर 2003 से शुरू हुआ जो आज तक चरम पे है, क्योंकि भोजपुरी का ढक्कन जो है बंद हो चुका था। भोजपुरी लगभग 20 साल जो हम जैसे नदिया के पार फिल्म जो सचिन का जो नदिया के पार रविंद्र जैन गीतकार संगीतकार थे जो लगभग 82-83 में आई थी, उसके बाद भैया दूज, घर गृहस्थी, सजनवा भैरी भैले हमार, दगाबाज बलमा, बहुत सारी फिल्में आई, उसके बाद भोजपुरी का दौर कम हो गया लगभग 15-20 साल। तो ये 2003 में जो ससुरा बड़ा पैसा वाला जे ये फिल्म ऐतिहासिक बनी और इतना ज़्यादा हिट हुआ, बहुत कम पैसा लगा और बहुत सारा इनकम किया हो। उसके बाद मनोज तिवारी काफ़ी चर्चित हुए, बहुत सारी फिल्में उनके लगातार फिल्म बनती थी, फिर दिनेश लाल जी का वो फिल्म जब वो फिल्म बन के भोजपुरी में आता है कि आपस में लोगों की बनती बहुत कम है, दिखावा ज़्यादा करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, असत्य बात बोल जाते हैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, ये कहाँ तक सही है? और नहीं, ये तो एकदम सही नहीं है, क्योंकि भोजपुरी में जैसे हिंदी जैसी गरिमा नहीं रही। हाँ, भोजपुरी में ये अपनी अपनी सोच है, कुछ कहना ठीक नहीं है। भोजपुरी में मनोज तिवारी, दिनेश लाल और रवि किशन, इन लोगों की तीनों स्टारों की फिल्म बनी थी उस समय, गंगा जमुना सरस्वती। इसके अलावा भी कई फिल्मों में साथ साथ काम किए हैं, और अभी शायद गंगा जमुना सरस्वती फिर दोबारा शुरू होने वाली है। तो ये तीनों लोग एक दूसरे के बारे में कभी कटाक्ष नहीं किए हैं, लेकिन कभी कभी किसी स्थिति अनुसार जैसे पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव हैं, रितेश पांडे हैं, प्रमोद प्रेमी हैं, गुंजन सिंह हैं, समर सिंह हैं, इन लोगों में कभी कभी शायद या तो आप लोगों के चलते मीडिया के उकसाने पे कुछ बात भाव आवेश में कह जाते हैं,
और लेकिन मीडिया जो है इसको गलत रूप में इसको पेश कर देती है, क्योंकि ये हम मीडिया पे भी आरोप लगाएंगे, क्योंकि हम बीच में खेसारी लाल जी का भी एक वीडियो आया था जिसमें वो टावर वाली बात आई थी, तो वो उनकी भावना वैसी नहीं थी कि इस बात को वो कहें कि हम ही लोग टावर है, चाहे ये तीन को छोड़ के बाकी है कौन, उनकी ऐसी भावना नहीं थी। वो बात के सिलसिला के दौरान ऐसा मुंह से निकला था, वो आदर सबका करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल्ली से ही हमारा उनका व्यवहार है, अच्छा है, आज भी मिलने पे हाय हेलो नमस्कार होता है, बहुत सारी मुलाकात उनसे होती है, तो ऐसी उनकी भावना नहीं थी। ये मीडिया वाले ने अपने चैनल को हिट करने के लिए उतने शब्दों को काट के और इस बात को बार बार रिपीट करके, ये तो होते आता है, जो कि नहीं करना चाहिए। हम इन पे भी आरोप लगाएंगे कि ऐसा मीडिया आप लोग ना करें जिससे आपस में विवाद हो। मीडिया तो कुछ सुनती है तभी किसी से पूछती है, ऐसे तो पूछेगी नहीं। नहीं, लेकिन एक और सवाल है कि जैसे अवार्ड शो जो भी भोजपुरी में होते हैं, जी कहा जाता है कि जो पैसे देते हैं उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है, या फिर कोई परफॉर्म करता है वहाँ पे स्टेज पे शो करता है उसको अवार्ड दिया जाता है, ये कहाँ तक कितनी सच्चाई है? क्योंकि हाल ही में कोलकाता में अवार्ड हुआ, उसमें भी काफ़ी धांधली हुआ। देखिए, धांधली ये अंदरूनी बात है, अंदरूनी बहुत सारी बातें होती हैं जो मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए। ये पैसा देकर अवार्ड लेना, ये बड़े शर्म की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा होता होगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि अवार्ड हो सकता है अवार्ड देने वाले के सामने कई मजबूरियां आती हो, स्पॉन्सर नहीं मिल पाते हों, तो स्पॉन्सर के रूप में वो कलाकार से ही कुछ मदद ले लें, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं है और इस बात को कहना भी शोभा नहीं देता है। लेकिन उनको ठीक है, उनको भी अवार्ड, लेकिन उनको भी तो अवार्ड देना चाहिए, उनको जो उस लायक हैं देते हैं। ऐसा हम बहुत सारे अवार्ड में गए हैं, बहुत सारा अवार्ड हमें भी मिला है, तो अब है कि पूर्ण रूप से तो कोई बात सत्य नहीं होती है। उनमें हमने नदिया के पार के हीरोइन जो साधना सिंह हैं उनको बुला के ये लोग अवार्ड दिए, तो वो तो ये तो उनके कलाकारी पे दिया गया। कुणाल सिंह को दिया जाता है, कोई अवार्ड करने वाले नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, शायद ईश्वर की कृपा हो तो भविष्य में हो सकता है। अवार्ड, देखिए, अवार्ड देना लेना ये कोई बिजनेस शायद नहीं है हमारी सोच से। ये कहे कि नए कलाकार या जो एस्टेब्लिश हैं, जो स्थापित कलाकार हैं, जो सुपरस्टार हैं, उनसे भेंट मुलाकात होती है और उनको सम्मानित करने में अपने अंदर भी बड़ी खुशी होती है कि हमने उनको दिया। इस दौरान मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, सारे कलाकार एकत्रित भी होते हैं, ये होना भी ज़रूरी है। और यह भोजपुरी को ऐसी बात नहीं कि भोजपुरी में अगर होना होता है तो बॉलीवुड में भी थोड़ा बहुत सब चलते रहता है, इस पर माइंड करने की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कितना क्या आगे का प्रोजेक्ट है, कहाँ आगे सब? अभी हमारे हिंदी गाने अभी चल ही रहे हैं, बहुत सारे गाने हमारे जो सब बड़े अच्छे अच्छे कलाकार जो हमारे म्यूजिक में अभी गाए हैं, जो साई रिकॉर्ड से सामने लोगों को सुनने को मिला, जैसे रिनी चंद्रा है, बहुत अच्छा गाना उनका चला है, सेतु सिंह है, उनका भी गाना सबसे एक नंबर पे है, नरेंद्र सागर जी हैं, अभी हाल ही में हमने बिपिन सचदेवा जी से गवाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। हमारे पास अगम निगम जी गाए, कुमार सानू जी गाए हैं, उदित नारायण जी गाए हैं, पंकज अनूप जलोटा जी गाए हैं, अलका याग्निक गाई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि इन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, अनूप जलोटा, रूप कुमार राठौर, विनोद राठौर जी, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल जी, साधना सरगम जी, विपिन सचदेवा जी, सबका आशीर्वाद मुझे मिला। आगे कुछ लाइव प्रोग्राम करने का? हाँ, आगे ये है कि मैं जो दिल्ली में था तो लगातार मैं बताया कि हमने कि रोज़ हम प्रोग्राम करते थे, वो प्रोग्राम की आदत छूटी हुई है, तो इससे क्या है कि संगीत कमज़ोर पड़ जाता है, रिकॉर्डिंग एक अलग दुनिया है। कोई आपका फेवरेट गाना जो उसको सुना दीजिए? एक गाना हम तो वो सुनाएंगे जो पिताजी हमारे गाते थे, भोजपुरी में गाना है, वो बड़ा मार्मिक गीत है, उस गाने को हमने एक बार गाया था कैसेट में भी दिल्ली में, भोजपुरी में गाना है, जीवन पे गाना है वो, ये गाना मैं जब भी सुनाता था मेरी माँ रोने लगती थी, भावुकता है गाना में। चिंता के
अग्नि तोहरा के चिंता के अग्नि तोहरा के लेस लेस जर जई है ए मैना तू असरा छोड़ा तोता फिर ना मैना तू असरा छोड़ा तोता फिर ना है। भोजपुरी निर्गुण है, ये बहुत सुंदर गीत है, अंतरा इसका है कि काहे नैन मिलौलू कैलू फुदक फुदक के खेला काहे नैन मिलौलू कैलू फुदक फुदक के खेला पतैन के कोरा में रह के खूब लगौलू मेला अरे ना जनलू की पतझड़ आई ना जनलू की पतझड़ आई पात पात झड़ जई है हे मैना तू असरा छोड़ा तोता उसमें फेवरेट गाना व्यू तो कई गानों का है नरेंद्र सागर का है क्योंकि अभी ध्यान नहीं आ रहा है बहुत सारे गाने हैं जा खून के आंसू रोगे मुझको रुलाने वाले जा खून के आंसू रोगे मुझको रुलाने वाले चलिए खास मुलाकात में आपका भी अपने आया और अपने बहुत अच्छे से अपने पूरे जीवन के बारे में स्ट्रगल के बारे में अपने गांव से लेकर मुंबई तक का जो सफर बताया काफी अच्छा लगा आप लास्ट में दर्शकों को क्या कहेंगे मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को नॉक आउट इंडिया को पसंद करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और इस पे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं और एक ख़ास मुलाकात वाली जो ये एपिसोड स्टार्ट हुआ है हमसे हम चाहेंगे कि ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे आगे बढ़े और हमारी शुभकामना भी इस चैनल के लिए है कि आगे बढ़ते रहे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और आज नवरात्रि है नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं लेकिन चलते चलते मैं नवरात्रि का एक लाइन गाना फिर मैं सुनाना चाहूँगा इस गाने को हम लोग दिल्ली में गाते थे नवरात्रि में माँ का ज्योत जलाया जाता है और इस ज्योत में एक गाना लोग गाते हैं हमने यहाँ पे काफ़ी हिंदी फिल्में भी छोटी छोटी बजट का किया था जिसमें ढूंढ लेंगे मंजिल हम मुंबई ड्रीम सिटी मुंबई नगरी और बहुत सारी फिल्में हैं जिसका नाम मजनू मोटर वाला दिल उल कुर्बान ये भोजपुरी फिल्में थी तो माँ का ज्योत जब जगाया जाता है ये गीत लोग गाते हैं कि हे गौरी के लाल शिवानंद हे गौरी के लाल शिवानंद माँ की ज्योत में जल्दी आ गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया और माँ को जब बुलाते हैं तो कहते हैं कभी आना मेरे घर माँ 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 राह निहारूं बाट बुहारूं राह निहारूं
थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।